नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और दतिया समेत 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 15 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में फिर एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके असर से 16 सितंबर से प्रदेश भर में फिर बारिश का अगला दौर शुरू हो सकता है। रायसेन, कटनी, उमरिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, संगरौली और शहडोल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में अब तक औसत से 17% अधिक बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 12% ज्यादा पानी बरस चुका है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 21% अधिक बारिश हो चुकी है। वर्तमान में मानसून का कोई भी सिस्टम प्रदेश पे एक्टिव नहीं है। मानसून ट्रफ लाइन भी यूपी साइड से जा रही है। वैसे अभी दो तीन दिन राहत भरे भरे हुए हैं। जो भी है, छटपुट बारिश के चांस बने हैं प्रदेश में। उसके अलावा एक देख सकते हैं क्लाउडी वगैरह, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में एक नया बन रहा है, जो अगले 16 तारीख तक पूरी मध्य प्रदेश में आएगा। तो पूरी मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, रीवा, अनूपगढ़, मंडला वगैरह में हैवी रेनफॉल के चांसेस बने हुए हैं। और जो सिस्टम और करीब आएगा तो 17 तारीख को वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस भी ये पूरी मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। और लोकल भोपाल की बात करें तो लोकल भोपाल में भी मौसम अभी खुला रहेगा, धूप देखी जा सकती है और दोपहर या शाम तक गरज चमक की स्थिति, हल्की बौछारें हो सकती हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.